So guys, chapter 259 आ चुका था ऑब्जेक्ट। जेजे के लेटेस्ट चैप्टर के एंड में सुकुना फाइनली यूज करता है फुगा ओपन फर्नेस और इस टेक्निक को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सुकुना यूज कर रहा है बिकॉज़ लास्ट टाइम इसको यूज करते हुए हम लोगों ने देखा था शिबुया आर्क में जोगोट के अगेंस्ट। आई नो राइट सुकुना फाइनली इसको यूज कर रहा है बट द क्वेश्चन इज इतने टाइम तक सुकुना इसको यूज क्यों नहीं किया? गोजो के अगेंस्ट फाइट किया, इसको यूज नहीं किया। हिगुरुमा के अगेंस्ट फाइट किया, युता के अगेंस्ट फाइट किया, माकी के अगेंस्ट फाइट किया बट स्टिल इसको यूज नहीं किया। जब फाइनली युजी के साथ 1v1 स्टार्ट होता है तब जाके सुकुना एकदम से ट्रिगर हो जाता है अपने डोमेन के साथ साथ वो बोलता है ओपन फुगा और फाइनली यूज करता है अपना फ्लेम टेक्निक। क्या इसका मतलब ये है कि सुकुना यूजी को इतना ही ज्यादा हेट करता है कि वो बस अपने फ्लेम को यूजी के अगेंस्ट यूज कर रहा है। गोजो, युता, माकी सब लोग इग्नोर मार दे एकदम से। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चलता है यूजी के लिए सुकुना का हेट एक अलग लेवल पर है ब्रो। और ये सारी चीजों को छोड़ के भी इस चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है जो तुम लोगों ने शायद मिस कर दिया। जैसे सुकुना के डोमेन के शेप को ही देख लो, पहले वाले डोमेन से ये डोमेन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और हम लोगों को पता माकी के पास भी कर्स एनर्जी नहीं है तो यहाँ पर उसको डोमेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ, माकी को बचाने के लिए वहाँ पर म्यू आ गई बीच में क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। ये सारी चीजों को छोड़ के बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स जो तुम लोगों ने शायद मिस कर दिया, इसके बारे में ए टू जेड खोल के हम लोग इस वाले वीडियो में बात करेंगे बिकॉज नेक्स्ट वीक जापान का गोल्डन वीक है तो जेजे के मांगा ब्रेक पर है। हम टाइम लेके पूरे चैप्टर के बारे में खोल के बात कर सकता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में अगेन हम लोगों ने गोजो को मेंशन करते हुए देखा, वहां पर नैरेटर बोल रहा था कि गोजो अपने दो ब्लैक फ्लैश को यूज करने के बाद अपना आर्सीरी गेन कर लिया था। यहां पर सेम सिचुएशन सुकुना के केस में भी होना चाहिए बिकॉज उसने दो तीन ब्लैक फ्लैश ऑलरेडी यूज करके रखा है बट स्टिल यहां पर सुकुना का आर्सीरी का आउटपुट एकदम से नॉर्मल नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? ऑफ कोर्स यूजी जरूरी और उसके 7 ब्लैक फ्लैश जो उसने एक ही चैप्टर के अंदर हिट किया, इसकी वजह से सुकुना अपने आर्सीरी को यूज करके अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा है। देखो यहां पर हम लोग ऑलरेडी पता है सुकुना 1v1 बहुत टाइम से कर रहा है, इसके साथ साथ सुकुना इस वाले चैप्टर के अंदर डोमेन यूज कर रहा है। लास्ट में हम लोगों ने देखा फुगा ओपन फर्नेस वो यूज कर रहा है बट यहाँ पर हम लोग ये नोटिस नहीं कर रहे कि सुकुना फिलहाल कौन से कंडीशन में है, किस कंडीशन में होने के बाद सुकुना स्टिल ये सब कुछ यूज कर पा रहा है। तो हम लोगों को पता है सुकुना के फुल फॉर्म के अंदर चार हाथ है बट यहाँ पर चार हाथों में से दो हाथ को ऑलरेडी काट दिया गया, उसके जो बाकी दो हाथ है उनमें से एक हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते सुकुना सारे सोर्सेज के साथ बस एक हाथ यूज करके फाइट कर रहा है। और यहाँ पर ऊपर से हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस को चैप्टर में देख के रखा सुकुना के जुबान को भी सुकुना भी अबे मेरा एक हाथ काफी है, चार तो बाद में होगा, तीन तो बाद में होगा। रिप किया गया ये नॉट ओनली सुकुना के तीन हाथ, नॉट ओनली सुकुना का जुबान बट आल्सो सुकुना's हार्ट जिसको माकी ने ऑलरेडी स्टेप करके रखा है डायरेक्टली। यहाँ पर आई होप तुम लोग सुकुना का करंट सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हो। सुकुना यहाँ पर एक क्रश्ड हार्ट, एक रिप टंग प्लस एक सिंगल हाथ से सारे के सारे सोर्सेस के साथ अकेले फाइट कर रहा है, कोई बिना कोई रिवर्स कर्स टेक्निक के, बिकॉज उसका आरसीटी का आउटपुट बहुत ही ज्यादा लो है, वो अपने आप को बिल्कुल भी हील नहीं कर पा रहा। तो इस साइड से हम लोग को एज अ विलन सुकुना को अप्रिशिएट करना चाहिए यार, किस कंडीशन में वो स्टिल फाइट करते हुए जा रहा है। हाँ वो भी प्रॉपर This is your brain. अरे so हाँ ना मेरे डोमिनेंट के साथ आगे हम लोगों ने देखा सुकुना ओपन करता अपना डोमेन मलवलन श्राइन विद ब्लैक स्पार्क्स। और यहाँ पर जो सुकुना का डोमेन है ये प्रीवियस डोमेन से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये डोमेन देख के लग रहा है कि कंप्लीट एक न्यू डोमेन है सुकुना का। इवन तो हम लोगों को बाद में बोला जाता है सुकुना का ये डोमेन एकदम से इनकम्प्लीट है, ये एकदम से परफेक्ट डोमेन नहीं है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते सुकुना बस मैनेज करके कैसे भी करके इस डोमेन को खड़ा करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों के सामने आगे नैरेटर ये भी बोलता है अचानक से कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम सुकुना की पावर को ऐसे आवे यार चलना बच्चा है ऐसे कमजोर कर दिया और ऐसे यूजी और भाई 8 ब्लैक फ्लैश इसकी मां का मजे। ये डोमेन 99 सेकंड तक टिकने वाला है, इसके बाद ये डोमेन ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। तो ऑफ कोर्स इस साइड से ये क्लियर हो जाता है कि ये सुकुना का इनकंप्लीट डोमेन है बट इसका जो आउटपुट और इसका जो रेंज है इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। बट आई थिंक पर्सनली कि सुकुना जो है ना सिर्फ मजे कर रहा है अभी, वो चाहे तो यूज कर सकता है भाई। तुमको अगर याद होगा वहां पे उसने क्या नाम था, मेरे को उसका नाम याद नहीं रहा, उसने बोला कि अभी तक तो सुकुना अपने ओरिजिनल फुल पावर को यूज भी नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ थोड़ी सी पावर यूज करके मजे कर रहा है। और ये पर एक पॉइंट है जो तुम में से कोई भी मेंशन नहीं कर रहा है, सुकुना अपने डोमेन को एक्टिवेट कैसे किया? ये लाइन कोई मत भूलना, इस डोमेन यूजिंग गोजोस सुकुना का कुछ ना कुछ बड़ा रोल आएगा जो कि अभी गेगे नहीं बता रहा है बट आएगा। हैंड सीन, या आई नो राइट, दैट्स आयरोनिक। मैंने चैप्टर को जब सेकंड टाइम रीड किया तब मैंने इस चीज को नोटिस किया। अगर हम लोग गोजो के पैनल के साथ इसको एक साथ रखे तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देखने को मिल रहा है कि सुकुना एक्चुअली में गोजो के हैंड सील को यूज किया अपने डोमेन को। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये देखने में ऐसा सिमिलर लग रहा है बट ये एक्चुअली में सेम नहीं है। अगेन हम लोग अगर सुकुना को क्लोजली देखे तो हम लोग को पता चलता है सुकुना के पास बस ठीक से यूज करने के लिए एक ही हाथ बचा है। सुकुना डेफिनेटली मेड अ बाइंडिंग वॉट टू यूज हिज डोमेन विद अ सिंगल हैंड जो ऑलरेडी चैप्टर के अंदर मेंशन करके रखा है। और यहाँ पर एक हाथ को यूज करके तुम और कौन सा हैंड साइन यूज कर पाओगे इसके सिवा भाई? हाँ, अलग हैंड साइंस है बट आई डोंट सी एनी अदर हैंड साइंस। इवन सुकुना यहां पर नहीं, नहीं, नहीं यूज कर रहा बट डोंट फॉरगेट सुकुना धीरे तला है ना, यही चीज मेरे को बढ़िया लगता है भाई। बीच में ऐसा बकर वाला डाल देते हैं कॉर्नर पे जा रहा है ब्रो। यहां पर जैसे नेटर ने बोला सुकुना ने लास्ट मिनट में बहुत सारे बाइंडिंग बॉस को यूज करके रखा इस डोमेन को यूज करने के लिए। यहां पर तुम लोग ऑलरेडी पता है बाइंडिंग बॉस को यूज करने का मतलब क्या है। अगर तुम लोग चैप्टर 255 को दोबारा रीड करोगे तो तुम लोग वहां पर क्लियरली देख सकते हो सुकुना हैड टू यूज एनमतिन द हैंड साइन फॉर हिज डोमेन टू यूज वॉल कटिंग स्लैश बट अभी उसको चांस यूज करना पड़ता है, एनमतिन यूज करना पड़ता है और स्लैश को डायरेक्ट भी करना पड़ता है वॉल कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए। और यहां पर एडिशनली सुकुना के दो हाथ को काट दिया गया, एक हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड है, उसके टंग को रिप किया गया, उसके हार्ट को क्रश किया गया, उसके आरसीरी का आउटपुट बहुत ज्यादा लो है। तो इस साइड से हम लोगों को पता चल रहा है थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वेल। बट आई थिंक कि भाई सुकुना सिर्फ मजे ले रहा है, मजे ही ले रहा है भाई। इतना पावरफुल जो गोजो की ऐसे बजा दे, तुमको क्या लगता है आरसीटी यूज नहीं कर सकता?
कर सकता है, मजे ले रहा है सुकून। वो धीरे धीरे कॉर्नर में जा रहा है भाई। अब देखो यहाँ पर दो डिफरेंट साइड भी हो सकता है, फर्स्ट वाला साइड ऑलरेडी बता रहे हो, सेकंड साइड कुछ ऐसा हो सकता है कि सुकुना यहाँ पर फुल फॉर्म में आने के बाद फोटो वेरी फर्स्ट टाइम अपने डोमेन को यूज कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सुकुना के फुल फॉर्म के डोमेन का लुक कुछ ऐसा ही है भाई। बिकॉज इस डोमेन के लुक को अगर हम लोग क्लोजली देखें तो हम लोग को कुछ फेसेस और कुछ आंखें नजर आ रहा है जो उसके प्रीवियस डोमेन में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जो आंखों के शेप्स देख रहे हैं ये सुकुना के फुल फॉर्म के साथ 100% मैच हो रहा है भाई, जो अगेन सुकुना के प्रीवियस डोमेन के अंदर मौजूद नहीं था ब्रो। ये नॉट टू मेंशन कि अभी यूजी की आंखों के साथ मैच हो रहा है यूजी अवेकन होने के बाद, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सुकुना के फुल फॉर्म का न्यू डोमेन है और इसी वजह से उसके डोमेन का लुक उसके फुल फॉर्म के लुक के साथ मैच कर रहा है। आगे हम लोगों ने देखा सुकुना का डोमेन एक्टिवेट होने के बाद ऑल ओवर शिबुया इंसिडेंट दोबारा वापस आ जाता है, बिकॉज सब कुछ एकदम से वो तोड़ फोड़ने लगता, पूरी सिटी को वो एकदम डिस्ट्रॉय करने लगता है, इंक्लूडिंग इटाची का कौवा, आई मीन मेमेस क्रोस। आगे हम लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां पर सारे के सारे जुजुत्सु सोर्सरर्स से लाइक चोजो, हाकारी, माकी, युता, यूजी, बाबर हाकारी बोलते हैं जिन लोगों को आरसीटी या फिर एंटी डोमेन टैक्टिक्स मतलब सिंपल डोमेन यूज करना आता है वो लोग इस फाइट को ज्वाइन कर सकता है। आगे जोजो सवाल करता है तुम लोग रिजनरेट करने के लिए अपने ब्लड को कैसे कंपनसेट करते हो, हाकारी बोलता है मैं एकदम ऑटो पायलट मोड पर रहता हूं बिकॉज़ हम लोगों को पता है। इसका सिंपल सीन है कि भाई जब तुम अपने आरसीटी यूज करते हो तो तुम अपने जो जुजुत्सु वाली पावर रहती, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आता, जो भी यहाँ तुम लोग समझ गए उसको कन्वर्ट करते हैं ऑटोमेटिक है। और युता के केस में भी इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, यहाँ पर हाकर और कर्स एनर्जी उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली काम करता है, पर यहाँ पर शोको बोलती है वो अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर लेती है। और यहाँ पर आगे हम लोगों को पता चलता है पर चोजू भी सेम करता है, अपने कर्स एनर्जी को अपने ब्लड में कन्वर्ट कर लेता है। और आगे चोजू बोलता है यूजी अगर अपने भाई हो मतलब सारे के सारे डेड पेंडिंग्स को खा लेता है तो यूजी भी ऐसा कर सकता है। आगे हम लोगों को पता चलता है आरसीटी यूज करने के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी उन लोगों को चाहिए, बट यहाँ पर थैंक्स टू केंजाकू कि उसने यूजी एंड चोजू को बहुत ही बढ़िया स्पेशल बॉडी देके रखा है। आगे हम लोग देखते हैं कन्वर्सेशन चेंज होता है और बातचीत करते हैं ये लोग स्विच ट्रेनिंग के बारे में, और हाँ भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। आगे हमारे सामने रिवील होता है इट्स वन एंड ओनली उयुई जो सोल को स्वैप कर सकता है। हम लोग इतने टाइम से लग रहा था कि इट्स यूजी इटादोरी, बट नाउ इट्स उयुई जिसके पास दो डिफरेंट टेक्निक्स है, नंबर 1 वो टेलीपोर्ट कर सकता है एंड नंबर 2 वो सोल को स्वैप करवा सकता है, इसे बोलते हैं लास्ट मिनट का ट्रंप कार्ड। बट अगेन यहां पर उयुई एक कंडीशन ऐड कर देता है, एक बंदा एक महीने के अंदर दो लोगों के साथ ही सोल को स्वैप कर सकता है। आगे हम लोगों को पता चलता है कुसा कभी यूजी के साथ स्वैप करने वाला और यूजी को सिखाने वाला सिंपल डोमेन एंड कर्स्ट एनर्जी मैनिपुलेशन, यहां पर तो पता चलता है एक बंदे के बारे में, बट हियर द क्वेश्चन इज सेकंड बंदा कौन है जिसके साथ यूजी ने अपने सोल को स्वैप करके रखा है, बिकॉज यहां पर उयुई ने क्लियरली मेंशन करके रखा है एक महीने के अंदर एक बंदा दो लोगों के साथ सोल को स्वैप कर सकता है। एक तो यहाँ पर कुसा का है, तो दूसरा यहाँ पर कौन हो सकता है जिसके साथ यूजी ने अपने सोल को स्वैप करके रखा। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देख के रखा है कुसा का वैसे यूजी ने सिंपल डोमेन यूज करना सीख लिया, पर मेरे को लगता है सेकंड पर्सन कुड बी यूता जिससे यूजी ने आरसीटी सीख के रखा है भाई। जैसे मैंने स्टडी में बोल रहा कि स्विचिंग वाला पार्ट इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। इस चैप्टर को रीड करने के बाद हम लोग को लग रहा है कि यूजी इज द ओनली वन जिसे स्विच करके रखा है, बट डीप डाउन मेरे को ऐसा लगता है कि सारे के सारे सोर्सर्स ने स्विच करके रखा है भाई, और स्विच करके उन लोगों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखा ही है 100%, बिकॉज ये 100% यूता के लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब यूता ने सुकुना को बोला था इतने टाइम तक हम लोगों ने क्या किया, वी चीटेड, पर मेरे को लगता है वी चीटेड से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है सारे के सारे सोर्सर्स से एक दूसरे के साथ स्विच करके रखा है। सुकुना के साथ फाइट कर रहे से पहले सिंपल डोमेन बस यूज करना था म्यूआ एंड कुसाकावे को, बट अभी फिलहाल म्यूआ एंड कुसाकावे के साथ साथ यूजी, इनो एंड चोजो को भी यूज करना आता है सिंपल डोमेन। हम लोगों ने इस फाइट से पहले आरसीटी बस चोजो एंड युता को यूज करना आता था, वो जो शोको हाकारी को मैं माइनस कर रहा हूं बिकॉज़ उन लोगों को पहले से पता था राइट, बट अभी फिलहाल चोजो एंड युता के साथ साथ हिगुरुमा एंड यूजी को भी यूज करना आता है आरसीटी। हम लोग चीटेड का मतलब इजीली समझ में आ जाता है कि सारे के सारे लोगों ने आपस में स्विच करके रखा। बाकी मैं चीजों को स्ट्रेच नहीं करना चाहता, बस मेरा ओपिनियन, ये मेरा थॉट्स है, तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर अपना खुद का ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम लोग देखते हैं यूजी यूज करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन, और तुरंत यूजी को पता चलता है कि सुकुना के डोमेन के अंदर लूप होल मौजूद है, और इन सब के साथ हम लोग को ये भी पता चलता है सुकुना ज्यादा टाइम तक अपने डोमेन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, बस 99 सेकंड्स। और आगे सुकुना टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट कर देता है एकदम से टोटल डिस्ट्रक्शन, सब कुछ उड़ाने लगता है भाई। वहां पर सब लोग आगे बोलते हैं थोड़ी देर के लिए बस इसको झेल लो, थोड़ी देर के लिए बस इसको झेल लो, एवरी सिंगल वन ऑफ देम वर सेइंग जस्ट बियर इट। वन थिंग जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, माकी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो माकी को यहाँ पर सुकुना के डोमेन से कुछ होना नहीं चाहिए था राइट, बट हम लोगों ने देखा माकी वहां पर स्ट्रगल कर रही है और माकी को बचाने के लिए म्यूआ बीच में आ जाती है, तो ये लाइन थोड़ा बहुत फिट यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पर मेरे को लगता है सुकुना ने कोई ना कोई बाइंडिंग वाव को यूज करके रखा माकी को ट्रैप करने के लिए, जो हम लोगों को शायद फ्यूचर में जाके पता चलने वाला है। आगे हम लोगों ने देखा यूजी को डायरेक्ट स्लैशेस के ऊपर स्लैशेस लगता रहता है और यूजी सडनली अपना एक पैर खो देता है, पर यहाँ पर आगे ये पैनल देखने के बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि यूजी अपने पैर को एकदम से इमीडिएटली अटैच कर लेता है, बिकॉज यूजी यहाँ पर ब्लड मैनिपुलेशन यूजर और चोजो ने सेम किंजा को अगेंस्ट करके रखा कि अपने हाथ को अलग करके एकदम से अगले मोमेंट पर जोर लिया था। यहाँ पर यूजी भी अपना पैर खो लिया था बट उसने अपने ब्लड को यूज करके एकदम से जोर लिया, और इन सबके बाद आगे हम लोग देखते हैं स्लैशेस आना एकदम से बंद हो गया और यूजी को लगा था कि चलो हम लोगों ने फाइनली स्लैशेस को झेल लिया, अब ये खत्म हो चुका, बट आगे फाइनली हम लोग देखते हैं सुकुना यूजेस फुगा ओपन फर्नेस, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सुकुना पर फाइनली अपने अदर कर्स टेक्निक को यूज करता है बहुत टाइम बाद, लास्ट टाइम उसने जोगवॉट के साथ इसको यूज किया था। यहाँ पर एक सवाल रहता है सुकुना इसको अभी भी यूज कर रहा है, इतने टाइम तक यूज क्यों नहीं किया, व्हाई नाउ ब्रो। ये शाउट आउट टू एलन बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग को लास्ट में पता चलता है ओपन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर ओपन फ्लेम्स टेक्निक का मीनिंग है किचन हर्थ, वेयर ओपन मींस टर्निंग ऑन फॉर फ्लेम, ही जस्ट टर्न्स ऑन द किचन हर्थ। यहाँ पर सुकुना का श्राइन किचन थीम रिलेटेड है, क्लीवेंडिस मेंटल को उठा लो वहाँ पर किचन नाइफ हम लोग को मिल जाता है, यहाँ पर फायर को उठा लो इसका मतलब हम लोग को मिल जाता है टर्निंग ऑन द किचन फायर। यहाँ पर हम लोग को याद है मैलेवोलेंट
किचन के बारे में राइट। यहाँ पर सुकुना का पूरा श्राइन एकदम किचन रिलेटेड है ब्रो। यहाँ पर सुकुना अपने नाइफ से चॉपिंग करता है, फिर उसको अपने फायर से बॉइल करता है और फिर खा जाता है शायद, जैसे उसके माँ के पेट में उसके भाई को खा लिया उसने। रीजन की हम लोगों ने यूजी के टेक्निक सीजर्स को देख के रखा है, और सीजर्स हम लोगों को पता है मॉडर्न किचन के अंदर यूज होता है, और यूजी सुकुना रिलेटेड अंकल एंड निफ्यू तुम लोगों को पता है, उनका टेक्निक भी रिलेटेड हम लोगों को पता है यूजी के पास मेलेवोलेंट श्राइन है, तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है भाई। अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी हम लोगों को पता है हर चीज के तो डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, तो अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टेक्निक है ये सुकुना के ट्विन ब्रदर का टेक्निक है, जो सुकुना को मिला उसके भाई को कंज्यूम करने के बाद, तो शायद सुकुना इसको हमेशा इसलिए यूज नहीं करता बिकॉज इसको यूज करना बहुत ही मुश्किल है, यूजी को पता है ये उसके ट्विन ब्रदर का टेक्निक है, इस टेक्निक को यूज करना बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है शायद सुकुना को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सफर करना पड़े इस टेक्निक को यूज करने से। अब देखो इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना अभी फिलहाल यूजी के सामने इसको यूज कर रहा है, तो यूजी इसको देख रहा है, तो इट कुड बी पॉसिबल यूजी इसको देख के इन फ्यूचर इसको यूज कर सकता है, बिकॉज यूजी का टेक्निक भी मेलेवोलेंट श्राइन है, और ऑलरेडी यूजी को क्लीव एंड डिसमेंटल भी यूज करना आता है, इतना हम लोगों को पता है भाई, तो यूजी माइट एंड अप यूजिंग दिस फ्लेम एज वेल, और ऊपर से यूजी का डोमेन एक्सपेंशन तो बाकी है, बट अभी के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता, अभी के लिए मैटर करता है कि सुकुना सारे के भाई महोरागा भैया आ जाओ सारे सोर्सेज के साथ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या करने वाला है, कितने लोग मरने वाले नहीं मरने वाले इसके बारे में तुम लोग अपने प्रेडिक्शन कमेंट में बताओ। इस चैप्टर मेरा प्रेडिक्शन है कि अभी तो कोई नहीं मारेगा, माकी को मार दो भाई, मैं तो बोलता हूँ। बाकी गाइस तुम्हारा क्या, तुमको क्या क्या लगता है एक बार तुम लोग कमेंट बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते अगले ऐसे और वीडियो में, तब तक लिए बाय।